चो, आज क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज है 1.5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। नाम देखो लिखा है ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। रियल नंबर में आपको दो तरीके के नंबर बताए गए, एक रेशनल एक इरेशनल, एक परिमेय एक अपरिमेय। इसके बाद आपको नंबर लाइन बताई गई, संख्या रेखा बताई गई। उसमें नंबर लाइन में हमने आपको बताया था कि नंबर लाइन ऐसे होती है और इस पर आप नंबर्स को शो करते हैं, जैसे यहाँ जीरो दिखा दिया, यहाँ वन दिखा दिया, यहाँ टू दिखा दिया, इधर माइनस वन दिखा दिया या माइनस टू दिखा दिया, ऐसा हमने बताया है। इसके बाद जो इरेशनल नंबर थे, अपरिमेय संख्याएँ थी, उसमें अंडर रूट टू है, अंडर रूट फोर है, सॉरी फाइव है, इस प्रकार के नंबर को दिखाना भी सिखाया गया है। आज अगर कोई भी रूट की नंबर हो, ये रूट 1.5 है। अब एक तो 1.5 खुद में गड़बड़, 1.5 वन और फाइव के बीच में है, हमने कहा 3.9, तो थ्री और फोर के बीच में 3.9 आएगा, उसको भी बताया गया वैसे, और उसका रूट आपको निकालना है, उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, उसका तरीका क्या होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि किसी भी रूट एक्स कोई नंबर है, उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। जब मैं एग्जांपल ले लूँगा तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा वो अपने आप आसान हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि रूट एक्स को नंबर रेखा पर प्रदर्शित करो, मैंने एक एग्जांपल लिया कि रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन नंबर लाइन, रूट एक्स को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, ये सो आपको दिखाना है। एक सेकेंड जरा, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाए, जरा समझने की कोशिश करिएगा। इसका एक कंस्ट्रक्शन होगा, एक रचना होगी। देखिए, जो भी आपका ये रूट एक्स है, इस एक्स लंबाई की एक लाइन खींच दीजिए, जरा ध्यान समझिएगा। हमने एक लाइन खींची ए बी, और इसकी लंबाई कितनी हमने की, एक्स, यानी ए बी को हमने जो माना है उसकी लंबाई कितनी है, एक्स यूनिट, एक्स यूनिट, एक्स इकाई। अब एक्स कैसे नापेंगे भाई, देखिए एक संख्या रेखा खींच लो कहीं पर अलग से, है ना, और यहां पर एक एक सेंटीमीटर का एक दो तीन चार ऐसे कर दो, और जो संख्या हो उसकी लंबाई नाप लो, जो भी आप ले, सेंटीमीटर लें तो एक्स सेंटीमीटर ले लीजिए। तो हमने यहां पर एक्स ले लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और सी तक ले जाएंगे, ठीक है, और इसकी लंबाई वन यूनिट मानेंगे। अगर ये आपने एक्स सेंटीमीटर लिया है तो ये वन यूनिट मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, एसी का लंबार्धक कैसे खींचा जाता है, ए को सेंटर मानेंगे, एसी से आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, आधे से अधिक दूरी लेना, एसी की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद सी को सेंटर मानेंगे, वही वाला जो चाप लेंगे वही आर्क लेंगे, और इस प्रकार से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस प्रकार से खींच जाएगा, खींच गया। ये पॉइंट आपको क्या मिला, ये पॉइंट आपको मिला ओ, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझें, एसी की लंबाई कितनी थी, एक्स प्लस वन। अगर मैं आपसे कहूं कि एसी की लंबाई कितनी है, एसी की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे एक्स प्लस वन है, क्योंकि ए बी तक एक्स था और इसके आगे वन आपने बढ़ाया है, और आपने इसको आधा किया है, तो एओ कितना हो गया है, इसका आधा। एओ की लंबाई कितनी है, एक्स प्लस वन का आधा, और बी से सी की लंबाई, ओ से सी की लंबाई कितनी है, वो इसके बराबर है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ओ को सेंटर मानते हैं, ओ बी या ओ सी हम त्रिज्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं, और एक आर खींच देते हैं, इस प्रकार से एक आर खींच दिया, ठीक है, ओ को सेंटर माना है हमने। इसके बाद बी से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, लंब खींचते हैं, और हम मान लेते हैं कि ये यहां डी पॉइंट पर आता है, ठीक है, और ओडी को मिला देते हैं, और ओडी की लंबाई ही क्या होती है, रूट एक्स,
जो रूडेक्स आपको दिखाना है ये ओडी की लंबाई रूडेक्स होती है। कैसे होती है जरा समझिएगा। देखिए आपने कहा ओसी कितना है एक्स प्लस वन बाई टू, अगर मैं कहूं ओबी कितना है, ओबी की लंबाई कितनी है, तो देखिए जरा ध्यान से, ये ओसी में से बीसी को माइनस कर दो, तो ओसी में से हम बीसी को माइनस किए दे रहे हैं। ओसी का मतलब, ओसी का मतलब है एक्स प्लस वन बाई टू, एक्स प्लस वन बाई टू, और बीसी का मतलब वन, टू एलसीएम ले लो तो क्या आएगा एक्स प्लस वन माइनस टू बाई टू, यानी ये क्या निकलेगा एक्स माइनस वन बाई टू। देखिए ओ भी निकल आया एक्स माइनस वन बाई टू। अब आप अच्छा ये लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई, इसकी लंबाई निकालो पहले, एक मिनट इसको नोट कर लीजिएगा, इसको रब कर दीजिएगा। ये रूडेक्स नहीं है, देखिए एक्चुअली ये तो त्रिज्या है ना, ये ओडी यही होगा जो ए होगा, जो एओ होगा उसी की लंबाई ओडी होगी। एओ त्रिज्या थी कितनी थी एक्स प्लस वन बाई टू, और वही आपकी ओडी होगी। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ओबीडी 90 डिग्री, इसमें लगा दो पाइथागोरस, ये रब कर रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ओबीडी इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस आपने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। देखिए ओडी की लंबाई कितनी थी अभी एक्स प्लस वन बाई टू, तो ये हो गया एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, ओबी को इधर ले आओ माइनस, और ओबी कितना भी आपने निकाला है एक्स माइनस वन बाई टू, एक्स माइनस वन बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा बी डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दो, नीचे देखो फोर यहां भी आएगा फोर यहां भी आएगा, तो ऐसा करो ये वन बाई फोर बाहर कर दो, इसको डिस्टर्ब मत करो, इसका होल स्क्वायर खोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, इसका होल स्क्वायर खोलिए, लेकिन माइनस को अंदर ले जाना है, तो माइनस अब अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वन प्लस का टू एक्स, ये किसके इक्वल निकला है, ये निकला है बी डी स्क्वायर। ठीक है ये ऊपर वाली चीज नोट कर ली होगी आपने, देखिए ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट गया, ये वन ये वन से कट गया, ये टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स, ये बाहर वन बाई फोर, तो वन बाई फोर इंटू फोर एक्स बराबर बी डी स्क्वायर, फोर फोर कट गया, एक्स बराबर बी डी स्क्वायर, तो बी डी की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट एक्स, यह बी डी की जो लंबाई निकली है ये अंडर रूट एक्स आई है। ठीक अब ये संख्या रेखा है ये नंबर लाइन है, तो बी डी को नंबर लाइन में कैसे शो किया जाए जरा देखिए ध्यान से, हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, पढ़ाया ये लंबाई आपकी रूट एक्स है, देखो ध्यान से आप बी को सेंटर मानो और ये बी से डी तक का या त्रिज्या लो और यहां से एक आर्क लगा दो, जहां पे कट करेगा यही रूट एक्स होगा, जहां पे कट करेगा यही रूट एक्स होगा, यानी कि ये आपका जो बी है ना वो जीरो पॉइंट होगा, जो नंबर लाइन का जीरो पॉइंट स्टार्ट होगा वो क्या होगा बी, ये वन है और ये रूट एक्स है, तो इस प्रकार से रूट एक्स को आप नंबर लाइन पे दिखाएंगे। जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तब तो हम बात करेंगे। अब अंडर रूट के बारे में कुछ और जानकारियां आप समझ लें पहले, देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप कुछ चीजें समझ लें पहले, एक नोट समझें आप, अगर पहली चीज दो नंबर दो नंबर्स रूट ए इंटू रूट बी हैं तो ये सिंगल रूट के अंदर नंबर आ सकते हैं, ए इंटू बी आ जाएंगे, पहली चीज
लेकिन एक शर्त है, ये दोनों सिंगल अंडर रूट के अंदर तभी आएंगे जब दोनों में से कोई एक धनात्मक होना चाहिए कम से कम। हमने कहा दोनों में से कोई एक होना चाहिए, मतलब अगर दोनों धनात्मक हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तब तो आ ही जाएंगे। अगर दोनों माइनस में होंगे, जैसे मैं आपसे कहूं कि अंडर रूट माइनस टू इंटू अंडर रूट माइनस थ्री, तो मैथमेटिक्स कहती है इसको सिंगल रूट के अंदर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि दोनों माइनस में आ गए, दोनों में से एक पॉजिटिव होना जरूरी है, तो यह नहीं लिखा जा सकता अगर ऐसा है। दूसरी बात, अगर रूट ए हो अपान रूट बी हो तो इसको भी सिंगल रूट के अंदर लिखा जा सकता है, अपान में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप मान लिया रूट ए का स्क्वायर करें, तो आप जानते हैं रूट ए का स्क्वायर ए हो, ए होता रूट हट जाता है। तीसरी बात, अगर आप रूट ए प्लस रूट बी एक ब्रैकेट में और रूट ए माइनस रूट बी एक ब्रैकेट में, तो आपने पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ रूट हट जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो बेसिक हम जानते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, कुछ और चीज़ें समझिएगा। एक नया वर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, उस नए शब्द का नाम है इंग्लिश में कॉन्जुगेट और हिंदी में संयुग्मी। कॉन्जुगेट बहुत बढ़िया वर्ड है, कंजुगेट ऑफ इरेशनल नंबर, नंबर यानी कि आप पर में संयुग्मी, संयुग्मी संख्या क्या होती है जरा समझिएगा। जैसे हमारे पास कोई नंबर हो ए प्लस रूट बी, हमारे पास कोई नंबर हो ए प्लस रूट बी और इसका कंजुगेट लिखना है, तो इसका कंजुगेट होगा ए माइनस रूट बी, ये इसका कंजुगेट होता है, ये इसका संयुग्मी होता है। यानी जो रूट का साइन होता है ना रूट के पहले, उसको चेंज कर दीजिए। अगर मैं कहूं ए माइनस रूट बी, अगर मैं कहूं टू माइनस रूट थ्री, इसका कंजुगेट आप कहेंगे टू प्लस रूट थ्री, फायदा क्या होगा? देखिए अब फायदा क्या होगा, उसका नाम होता है वही फायदा होगा, लेकिन इसका एक फायदा है, अगर मैं इस नंबर का इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दूं, ए प्लस रूट बी को ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी, तो रूट हट जाएगा। अब देखिए रूट लगा रहता है तो नंबर होता है अपरिमेय, ये नंबर क्या है? अपरिमेय इसको कहते हैं। अगर रूट हट गया, रूट नहीं लगा है, तो हो जाता है रेशनल। तो अगर हमको किसी इरेशनल नंबर को रेशनल बनाना हो, अपरिमेय को परिमेय बनाना हो, तो इस प्रकार से कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, संयुग्मी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अकेला नंबर है मान लिया रूट, तो रूट हटाने के लिए रूट से मल्टीप्लाई कर दो तो केवल टू आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ बातें हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। अब मैं एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने जा रहा हूं, जरा समझिएगा। देखिए पहला एक्सरसाइज है 1.5 का पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई कुछ संख्याएं हैं, इनमें कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्लासीफाई एज अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। देखिए हमने बताया था कि जिन नंबर्स को पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है ये रेशनल होती हैं, लेकिन अगर आप रूट में लिखते थे रूट टू है रूट फाइव है तो ये इरेशनल है या परिमेय है, या पॉइंट वे 1.4232120110 कभी समाप्त नहीं हो रही संख्या, तो ये इरेशनल है। ठीक है, तो अब आप यहां पर चेक करना है। देखिए पहला है टू माइनस रूट फाइव, टू माइनस रूट फाइव। एक चीज और, किसी अपरिमेय और अपरिमेय, इरेशनल और इरेशनल को प्लस करोगे तो इरेशनल आएगा, माइनस करोगे तो इरेशनल आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल आ सकता है, ठीक है, डिवाइड करोगे तो इरेशनल आएगा। ठीक है, ये कैसी संख्या है? ये परिमेय है, रेशनल है। ये कैसी है? इरेशनल है।
तो दोनों को मिला देंगे तो आप कहेंगे ये कैसी संख्या आएगी, आप कहेंगे ये इरेशनल होगी, यानी कि अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि भाई ये इरेशनल है और ये रेशनल है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। और हमने कहा कि दो संख्या अगर कहीं अपरिमेय घुस गया तो उसका रिजल्ट भी अपरिमेय होता है। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, 3 √23 + √23 - √23 ये कैसी संख्या है? देखिए एक नजर से देखने पे तो ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन दूसरी नजर से देखो जरा इसको, आप इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, क्योंकि रूट देखने से तो लग रहा है कि अपरिमेय है, इरेशनल है, लेकिन इसको खोलेंगे, अगर ब्रैकेट को खोल देंगे √23 - √23 तो साफ साफ दिख रहा है कट जाएगा, ये संख्या एक्चुअली में 3 लिखी हुई है। ठीक है, तो 3 कैसी संख्या है? ये रेशनल नंबर होगा, यानी ये परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट कह रहा है 2√7 / 7√7, यानी अगर रूट नहीं हटा तो भी अपरिमेय है। रूट नहीं हटा मतलब जैसे √25 है, तो √25 की वैल्यू आपने पढ़ रखी है, 5 रूट हट गया, ऐसा नहीं कि रूट नहीं हटा मतलब लगा हुआ है तो वो नहीं हटेगा। अगर रूट हटने की संभावना नहीं है तो वो अपरिमेय है, और अगर वो कहीं प्लस में लिखा हुआ है और हट नहीं रहा है, जैसे ये लिखा हुआ था प्लस में लेकिन इसके हटाने के लिए ये जो है तलवार लेकर के खड़ा हुआ था, इसने कट कर दिया उसको। देखिए जैसे लिखा 2√7 / 7√7 अब आप कहेंगे साहब यहाँ रूट लगा हुआ है, अरे भाई रूट हट जाएगा डिवाइड में है, तो ये 2/7 होगा। ये कैसा संख्या होगी? ये यही संख्या होगी रेशनल, यही उतार देना, परिमेय संख्या होगी। जैसे लिखा 1/√2, फोर्थ पार्ट कह रहा है 1/√2, अब रूट अपरिमेय है, इरेशनल है, और चूंकि इसको काटने का कोई यहां पर जुगत है नहीं, तो नंबर कैसा होगा? यह इरेशनल होगा, यानी कि अपरिमेय होगा। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 2√2π लिखा हुआ है, 2 और π, देखो पाई जो होता है ना वो 3.1415 बहुत बड़ी संख्या होती है, यानी 2 × 3.1415 और बहुत बड़ी वैल्यू है, 200-250 संख्याओं तक आगे लिखते चले जाओ, अभी पाई का मान निकल ही रहा है, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये तो कभी अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी कभी रिजल्ट फाइनल तो आएगा नहीं, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जब आगे बढ़ता है फाइनल आंसर नहीं आता है, पॉइंट में कभी खत्म ही नहीं होता है, वो नंबर कैसा होता है? वो होता है इरेशनल, बोले तो अपरिमेय। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है, हल करना है। अब हल करने के लिए रूट के कुछ नियम है, अभी हमने थोड़े बहुत नियम बताए हैं, उनका इस्तेमाल होगा। सेम संख्याएं रूट की होंगी तो प्लस हो जाएंगी, लेकिन रूट के अंदर प्लस नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लिया कहीं पर लिखा हो √2 + √2, तो ये √4 नहीं हो जाएगा, ऐसा रूट के अंदर नहीं प्लस होता है, ये 2√2 हो सकता है, ये 2√2 हो जाएगा, यानी √2 को एज एक्स आप मानेंगे और एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है इसको सिंप्लीफाई करो, हल करो। देखिए सेकेंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 3 + √3 + √2 एक ब्रैकेट में और 2 + √2 अगले ब्रैकेट में। ब्रैकेट हल करना आपको आता है कि अगर एक ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट है उसके बीच में साइन किसका होता है, तो गुणे का होता है, मल्टीप्लाई का होता है। 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6 प्लस 3 का √2 से होगा तो 3√2, ये पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है, इनटू है। फिर √3 का 2 से होगा तो +2√3 और प्लस √3 का √2 से होगा तो √3 × √2, ये मल्टीप्लाई हुआ। देखिए ये 6 हो गया, ये 3√2 हो गया, ये 2√3 हो गया।
देखिए ये दोनों अंडर रूट मल्टीप्लाई में है और अभी हमने कहा दोनों प्लस में है, दोनों धनात्मक है, तो दोनों को रूट सिक्स लिखा जा सकता है। अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता, कोई एक दूसरे के साथ प्लस नहीं हो सकता, सब अलग अलग टर्म्स है, इसलिए यही आपका आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है थ्री प्लस रूट थ्री, थ्री प्लस अंडर रूट थ्री एक ब्रैकेट में और थ्री माइनस अंडर रूट थ्री एक ब्रैकेट में। हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, गुणनखंड पढ़े हैं कि अगर a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो और a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो, जिसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा नाइन, और रूट का स्क्वायर होने से क्या होता है कि रूट हटता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी सिक्स आ जाएगी। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, पढ़ा है आपने, ए आपका रूट फाइव है और बी आपका रूट टू है, तो ये क्या हो जाएगा रूट फाइव का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट टू, तो ये हो गया फाइव, ये हो गया टू और ये रूट का टेन। हाँ ये प्लस हो सकता है, ये नियम होता है जानते हैं, तो ये आएगा सेवन प्लस टू अंडर रूट टेन, ये वैल्यू आएगी। अब ये चीज़ें आप जानते हैं इसलिए बहुत डिटेल में इसमें हम नहीं बता रहे हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर हम सिखाएं आपको। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है फाइव माइनस रूट टू, फाइव माइनस अंडर रूट टू एक ब्रैकेट में और फाइव प्लस अंडर रूट टू दूसरे ब्रैकेट में, एक में ए माइनस बी एक में ए प्लस बी, अभी पढ़ चुके हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा फाइव स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, यानी कि ट्वेंटी फाइव माइनस टू बोले तो ट्वेंटी थ्री। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक थ्योरी का प्रॉब्लम है, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा, इसका आंसर थ्योरेटिकली होगा, इसको अलग से थ्योरी लिखनी पड़ेगी। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, आप बुक से पढ़ लीजिए पहले ध्यान से, थोड़ा लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है और बड़ा लंबा जब क्वेश्चन दिखता है तो स्टूडेंट पहले घबरा जाता है कि बारे दादा क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में क्या कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी, देर दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज ए रेशनल नंबर, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। हिंदी में देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध है, अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। पहले तो क्वेश्चन का मतलब ही समझ लीजिए, देखो आपने एर्थ में पढ़ा होगा एक वृत्त की जो परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस होता है सी, वो टू पाई आर होता है, पढ़ाया गया होगा ये टू पाई आर होता है, इसकी ये पूरी लंबाई, आर इसकी त्रिज्या है, इसका रेडियस है, और अगर टू आर कर देंगे इसको डबल तो बन जाएगा व्यास डायमीटर, तो टू आर को आप लिख सकते हो पाई इंटू डी, सी बराबर पाई इंटू डी, तो पाई का मान आएगा सी अपान डी। अब एक कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सी एक परिधि की लंबाई है, सर्कमफ्रेंस की लंबाई है, ये कुछ इसकी वैल्यू होगी दो चार पांच छह, तो आपने माना सी को रख दिया पांच, ठीक है, इसके बाद ये इसका डायमीटर है, ये इसका व्यास है, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी एक दो तीन जो भी हो, आपने इसको रख दिया तीन, तो भाई ये जो वैल्यू है ये तो रेशनल है, ये तो परिमेय है, और पाई के लिए कहा गया कि भाई यह परिमेय है, जब पाई इसके बराबर आता है तो ये कैसे हो सकता है कि ये इरेशनल हो ये रेशनल हो, ये अपरिमेय हो ये परिमेय हो, ये अंतर्विरोध जो है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। फिर समझ लीजिएगा,
अब आपको अगर रेशनल इरेशनल जो पढ़ाया गया है वो नहीं समझ में आता है तो इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आएगा। ये कह रहे हैं कि पाई के बारे में आपने बताया कि पाई की जो वैल्यू होती है 3.1415 10 10 10 10 10 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, कभी समाप्त नहीं होती है, और ये तो अपरिमेय होता है, इरेशनल होता है। ये नंबर कैसा है? इरेशनल होता है, अपरिमेय होता है, इसको कहते हैं अपरिमेय। लेकिन अगर आप 3/5 कहीं लिखते हैं तो ये तो आपकी रेशनल नंबर है। अब वही चीज 3/5/3 आ रहा है, 3/5 आ रहा है, और वही चीज ये पाई आ रही है, तो दोनों कैसे हो सकते हैं, इधर इरेशनल हो उधर रेशनल हो? देखो ध्यान से, कह ये रहे हैं कि जब हम सी और डी नापेंगे ना, तो नापने में एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं नाप सकते। भाई जैसे आप इसको स्केल से नापते हैं तो स्केल सेंटीमीटर नापता है, मिलीमीटर नापता है, मिलीमीटर से भी छोटा नापता है। तो बोले जब हम एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे तो सी और डी को नापने में कोई ऐसा एक ऐसी लंबाई होगी जरूर जिसको हम एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको मैं बता दूं एक्चुअली ये पाई आया कहां से, ये पाई किसकी वैल्यू आई। देखिए जब पुराने समय में हमारे जो आदि मानव लोग थे, आप जानते हो कैसे जिंदगी व्यतीत करते थे, उन्होंने जब पहिए का आविष्कार किया तो शुरुआत में पहिया गोल नहीं बना, धीरे धीरे उसमें गोलपन आया, थोड़ा लुढ़कना शुरू किया और गोल किया। जब उन्होंने एक ऐसी वैल्यू रखी सी और डी की, मतलब परिधि, भाई जैसे मैंने परिधि का मतलब एक लंबा तार लिया आपने और उसको मोड़ा तो कभी गोल बना कभी नहीं गोल बना, एक ऐसी वैल्यू रखी हमेशा जो इस ये वैल्यू लगभग आती थी 3.141 ये आती थी, तो वो हमेशा गोल बनता था, तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया, पाई। तो आप कहेंगे सी और डी के नापने में इसमें कम से कम एक ऐसी वैल्यू होगी जो अपरिमेय होगी, इरेशनल होगी, इसीलिए इसका रेशियो जो आएगा पाई होगा जो कि अपरिमेय थ्योरिकल है, उसको थ्योरी में आंसर कर दोगे। अब आपसे कहते हैं क्वेश्चन देखिए, पहले फोर्थ बाद में बताते हैं, फिर देखिए कि कहते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर को परिमेय करिए। अभी हम बता रहे हैं भाई रूट का जो नंबर होता है ये अपरिमेय होता है, इरेशनल होता है, और रूट हट जाए तो परिमेय होता है, रेशनल होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि जैसे √7 × √7 हो तो 7 हो जाएगा, तो जैसे आप 1/√7 था तो हम क्या करेंगे, नीचे √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंगल रूट है ना, तो रूट रूट हट जाएगा तो √7/7 आ जाएगा, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, √7 − √6 है, अभी थोड़ी देर पहले हम कंजुगेट के बारे में बात कर रहे थे कि इसका एक कंजुगेट होता है, संयुग्मी होता है, तो संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दें 7 + √6 से ऊपर नीचे, √7 + √6, तो a − b a + b a² − b² तो यह जाएगा 7 − 6 √7 + √6, इसको हल करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा √7 + √6/1 बाद में लिखो चाहे लिखो, जैसे यह था √5 − √2 तो इसका संयुग्मी क्या होगा, कंजुगेट क्या होगा, किसी एक में माइनस लगा दीजिए, ठीक है, तो √5 − √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया यहाँ क्या होगा a + b a − b a² − b² तो 5 − 2 तो नीचे 3 आ गया, ऊपर √5 − √2 आ गया, इसमें था √7 − 2 तो √7 + 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस प्रकार से ये फिफ्थ क्वेश्चन है। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, एक नंबर है रूट में उसको नंबर लाइन पर दिखाना है, संख्या रेखा पे दिखाना। अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहला जो हमने कंसेप्ट बताया है कि रूट एक्स को नंबर लाइन पे दिखाइए, उसी प्रकार से इसको हम बताएंगे। देखिए कहते हैं √9.3 को नंबर लाइन पे दिखाइए, फोर्थ क्वेश्चन है, और √9.3 को नंबर लाइन पे दिखाइए। हमने अभी क्या बताया कि जो ये संख्या दी है 9.3 लंबाई की एक लाइन खींचिए, ए बी खींच लिया, ये इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है 9.3 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करिए, आप सेंटीमीटर ना कहिए, यूनिट कहिए, नंबर लाइन पे आप एक नाप लेंगे, सेंटीमीटर अगर आपने उसकी चौड़ाई मानी है एक खाने की तो सेंटीमीटर, इंच मानी है तो इंच। इसके बाद यहां से हमने क्या कहा था, बी सी 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, फिर ए सी का लंबार्धक खींचिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ओ हो जाएगा, ओ को सेंटर मान के ओ ए रेडियस लेकर के एक आप अर्धवृत्त बनाइएगा, तो अच्छा बनाइएगा, हम चूंकि हाथ से बना रहे हैं इसे गड़बड़ बनना है। इसके बाद बी से एक परपेंडिकुलर खींचेगा, लंब खींचेगा, जो ये डी पॉइंट पे करता है, इसी की लंबाई √9.3 होती है।
इसको मिलाओ चाहे ना मिलाओ। इसके बाद बी को सेंटर मानो और बी डी रेडियस लेकर के एक चाप बना दो, जो डी को आगे ई पे काटता है, यही रूट 9.3 होता है। रूट एक्स वाला समझ लीजिएगा, उसे समझ में आ जाएगा। तो ये 1.5 एक्सरसाइज का कंसेप्ट है। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।